बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रीडिंग पैसेज टू है, टेस्ट टू है, बैक टू द फ्यूचर ऑफ स्काई स्क्रैपर्स। स्काई स्क्रैपर्स क्या होती है? टॉल बिल्डिंग्स। इसका सिनोनिम क्या है? टॉल बिल्डिंग। अब टॉल बिल्डिंग के डिज़ाइन की बात करने लगे हैं यहाँ पे, बुक 14 है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आंसर टू द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेसिव इलेक्ट्रिसिटी यूज बाई स्काई स्क्रैपर्स एंड लार्ज पब्लिक बिल्डिंग्स कैन बी फाउंड इन इंजीनियस बट फॉर द। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। द रिकवरी ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट बाय प्रोफेसर एलन शॉर्ट, द क्यूमुलेशन ऑफ 30 ईयर्स ऑफ रिसर्च एंड अवार्ड विनिंग ग्रीन बिल्डिंग। शॉर्ट कोलीग्स आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग अप्लाइड यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेट मंथ्स ईयर्स और नाउंस को अंडरलाइन कर लेते हैं। डेट्स मंथ्स नाउंस और ईयर्स को अंडरलाइन कर लेते हैं। शॉर्ट नाइनटीन सेंचुरी, ट्वेंटी सेंचुरी, कम्युनल वार्ड्स, फ्रेश एयर 19th सेंचुरी, थ्री डेकेड्स, हमने जितने भी कीवर्ड्स थे उनको अंडरलाइन कर लिया। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 14 to 18 पे। रीडिंग पैसेज टू हैज़ 9 सेक्शंस ए टू आई। हम लोग क्या करेंगे, इन सब के साथ लिखेंगे कौन से पैराग्राफ में कौन सी बात की हुई है। वाई सम पीपल अवॉइडेड हॉस्पिटल्स इन द 19th सेंचुरी, 19वीं सदी में लोगों ने क्यों हॉस्पिटल्स को अवॉइड किया था। नाइनटीन सेंचुरी किधर है? ये आगे 20th सेंचुरी, 1873 और 19th सेंचुरी किधर है? ये आ गया 19th सेंचुरी, ये भी है 19th सेंचुरी। आप देखेंगे यहाँ पे दोनों में मच ऑफ द इंजीनियरिटी प्रेजेंट 19th सेंचुरी हॉस्पिटल एंड बिल्डिंग डिजाइन वाज ड्रिवन बाय पैनिक्ड पब्लिक क्लेमरिंग फॉर बिल्डिंग दैट कुड प्रोटेक्ट अगेंस्ट पैनिक्ड पब्लिक। तो हमारा आंसर क्या है, एफ। अ सजेशन दैट द पॉपुलैरिटी ऑफ टॉल बिल्डिंग्स इज लिंक्ड टू प्रेस्टीज। पॉपुलैरिटी ऑफ टॉल बिल्डिंग्स इज लिंक्ड टू प्रेस्टीज। ये आ गया स्काई स्क्रैपर्स। शॉर्ट पॉइंट्स आर देयर टू मेक मोस्ट कंटेम्पररी बिल्डिंग्स हैबिटेबल। दे हैव टू बी सील्ड एंड एयर कंडीशंस, उन्हें क्या होना चाहिए, सील होनी चाहिए, एयर कंडीशन होनी चाहिए। द एनर्जी यूज एंड कार्बन एमिशंस दिस स्पेक्टेकुलर लार्जी अननेसेसरी बिल्डिंग। यहाँ पर उन्होंने कहा कि बिल्डिंग को ऐसा होना चाहिए। द सजेशन, यहाँ पर उसने क्या किया, मशवरा दिया है। तो हमारा आंसर क्या है इसका, सी है। अ कंपेरिजन बिटवीन द सर्कुलेशन ऑफ एयर इन 19th सेंचुरी बिल्डिंग एंड मॉडर्न स्टैंडर्ड्स। कंपेरिजन करना है हम लोगों ने, पहले वाला 19th सेंचुरी हम लोगों ने कर लिया, हम इसको दोबारा नहीं करेंगे, अब इसी को देख लेते हैं। वी डिस्कवर दैट 19th सेंचुरी हॉस्पिटल वार्ड्स कुड जनरेट अप टू 24 एयर चेंजेस एंड दैट सिमिलर टू द परफॉर्मेंस ऑफ मॉडर्न डे कंप्यूटर कंट्रोल्ड ऑपरेटिंग थिएटर। वी बिलीव यू कुड बिल्ड वार्ड्स बेस्ड ऑन थ्री प्रिंसिपल्स। तुम्हारा आंसर क्या है यहाँ पे, इसको दोबारा जरा पढ़ लें। हाँ, कंपेरिजन बिटवीन द सर्कुलेशन ऑफ एयर इन 19th सेंचुरी, यहाँ पे सर्कुलेशन ऑफ एयर की बात ही नहीं हुई। हम लोग देखेंगे 19th सेंचुरी और किधर है।
a comparison between the circulation of air in 19th century building and modern standards. एयर कंडीशनिंग यूनिट्स यहाँ पे इसको पढ़ ले जरा. शॉर्ट इज कॉलिंग फॉर अ स्वीपिंग री इन्वेंशन ऑफ हाउस का स्क्रैप्स एंड मेजर पब्लिक बिल्डिंग्स आर डिजाइंड टू एंड द रिलायंस ऑफ सील्ड विच एग्जिस्ट सोली लाइफ सपोर्ट सिस्टम इंस्टेड ही शोज दैट एंटायरली पॉसिबल टू अकोमोडेट नेचुरल वेंटिलेशन एंड कूलिंग इन लार्ज बिल्डिंग्स बाई लुकिंग इन द पास्ट बिफोर द वाइड स्प्रेड इंक्लूडिंग एयर कंडीशनिंग सिस्टम विच वर इन रिलेंटलेस एंड एग्रेसिवली मार्क्ड बाई देयर इन्वेंटर्स. यहाँ पे पास्ट की बात हुई है. कंपेरिजन बिटवीन द सर्कुलेशन ऑफ एयर इन 9th सेंचुरी एंड द मॉडर्न स्टैंडर्ड्स. तो हमारा आंसर क्या है इसका. नेक्स्ट पे आ जाए जरा. हाउ शॉर्ट टेस्ट इज द सर्कुलेशन ऑफ एयर इन द 19th सेंचुरी. अब दोबारा आ गया 19th सेंचुरी. तो हम लोग अब क्या, हाउ शॉर्ट टेस्ट इज द सर्कुलेशन ऑफ एयर. ये आ गया यहाँ पे एयर. विद डिस्कवर्ड 19th सेंचुरी हॉस्पिटल वार्ड्स कुड जनरेट अप टू 24 एयर चेंजेस दैट सिमिलर टू परफॉर्मेंस ऑफ मॉडर्न डे. हमारा आंसर क्या है. यहाँ पे किसने बात की हुई, यहाँ पे की हुई है हाउ शॉर्ट टेस्ट रेगुलेशन ऑफ इन 19th सेंचुरी. शॉर्ट ने कैसे टेस्ट किया था. यहाँ पे देखिए जरा, ये 1920 इंक्लूडिंग द डिजाइन ऑफ इंजीनियर्स एंड वेंटिलेशन हॉस्पिटल पर्टिकुलर इंटरेस्ट वेयर टू जॉन शॉ बिल्डिंग्स इंक्लूडिंग द फर्स्ट जॉन वी स्पेंड 3 years डिजिटली मॉडलिंग बिल्डिंग. आंसर क्या है हमारा. हाउ शॉर्ट टेस्ट इज रेगुलेशन ऑफ इन 19th सेंचुरी. हमारा आंसर क्या है इसका, डी. एन इम्प्लीकेशन दैट एडवर्टाइजिंग लेड टू लार्ज इंक्रीज इन द यूज ऑफ एयर कंडीशनर. एडवर्टाइजिंग का सिनोनिम क्या हो सकता है, मार्केटिंग, वेबसाइट्स. अग्रेसिवली मार्केटेड बाय इन्वेंटर्स. आंसर क्या है हमारा, बी. नेक्स्ट पे आ जाए क्वेश्चन नंबर 90-26. वन वर्ड ओनली. वेंटिलेशन इन द 19th सेंचुरी हॉस्पिटल. अब देखेंगे 19th सेंचुरी तीन जगह पे है, तो कहाँ पे. एलन शॉर्ट एग्जामिन द वर्क ऑफ जॉन शॉ बिल्डिंग. ये किधर है, यहाँ पे है जॉन शॉ बिल्डिंग्स. अब देखेंगे हमने आंसर क्या देना है. हु इन्फ्लुएंस द आर्किटेक्चरल ऑफ हॉस्पिटल्स. हॉस्पिटल्स का क्या डिज़ाइन ऑफ हॉस्पिटल्स. यहाँ पे आंसर क्या है आपका, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन. ये वाली लाइन ने आपको बताया आपका आंसर क्या आता है. ही कैलकुलेटेड दैट डैश इन द एयर कमिंग फ्रॉम पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम डैश. ही कैलकुलेटेड दैट इन द एयर कमिंग फ्रॉम पेशेंट्स. हवा में पेशेंट से क्या आ रहा है. वी पुट पैथोजन, वी फाउंड दैट वेंटिल. यहाँ पे वी पुट पैथोजन्स इन द एयर स्ट्रीम्स मॉडल फॉर समवन विद टीबी कफिंग इन द वार्ड्स एंड परफॉर्म वेंटिलेशन सिस्टम इन द रूम वुड हैव केप्ट अदर पेशेंट सेफ फ्रॉम हार्म. आंसर क्या है, पुट पैथोजन्स. He calculated that pathogens in the air coming from patients. Next, suffering from dash would have not harmed other patients. Suffering from dash, किस चीज से तकलीफ पा रहे हैं हम लोग.
टीबी सफरिंग फ्रॉम डैश वुड नॉट हैव सम हार्म अदर पेशेंट्स सेव फ्रॉम हार्म कफिंग इन द वार्ड्स एंड बिफोर दैट एंड कफिंग He also found that the air in dash in hospitals. He also found that the air in dash in hospitals. Air in dash kidhar? In hospitals. The air in dash in hospitals. Yeah. Hospitals wards could generate air. Words. He suggests that energy use could be reduced by locating more patients in dash areas. He suggests that energy use could be reduced by locating more patients in dash areas. Kaun se areas? Communal wards. Next, a major reason for improving ventilation in 19th century hospital was the demand from the dash. किसकी demand? Demand तो हम लोग ही करते हैं. Panicked public. Was the demand from the dash? From मतलब से. Public. Known as dash. फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट बैड एयर नोन एज वो जो बैड एयर थी उसको क्या कहते थे प्रोटेक्शन अगेंस्ट थ्रेट ऑफ मियास्मास दीज वर ब्लेम्ड फॉर द स्प्रेड ऑफ डिजीज फॉर हंड्रेड ऑफ ईयर्स इंक्लूडिंग एपिडेमिक्स ऑफ डैश इन लंदन एंड पेरिस लंदन एंड पेरिस London and Paris we are explaining the spread of infection from the Middle Ages right through the cholera ये था हमारा question number 26 हमारा ये वाला topic complete हो गया passage हमारा क्या था back to the future of skyscraper design तो आप लोग मेरे मेरे lectures को like करें और अपने friends को share करें और मैं को लिए नेक्स्ट वाला जो है वो लेक्चर लेके आऊँगी इंशाल्लाह और किसी किस्म की कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं शुक्रिया